हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ लाइव और आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई देने आज आ गई हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस की तो मैं साथ में ही रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लाई मतलब लिखित में देना, राइटिंग में देना तो पॉसिबल नहीं होता। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती बताने के लिए, तो कुछ वर्ड्स में मैं उनको पूरा नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा, टाइम तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको सही सलाह मिले ये सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि आप जो भी पूछ रहे हैं, तो अगर आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई सही तरीके से मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई और नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आज लाइव आ जाना चाहिए और जो आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं उनका रिप्लाई मैं आज दे देती हूँ। तो जिनको भी नोटिफिकेशन पहुँच गया, लक्ष्मी धानिया का आया है 1 घंटे पहले, उन्होंने शाटिका की जो वीडियो डाली थी बहुत पहले उस पर कमेंट किया है, कमेंट डाला है। मेरे राइट लेग में कमर से लेकर एड़ी तक दर्द होता है, सिर्फ इतना ही लिखा है। देखिए लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आपका दर्द कितने दिन का है ये मुझे नहीं पता, यानी कि शाटिका तो बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। फिर आपने टेस्ट कराए या नहीं कराए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता नहीं। अब आपने जैसे देखा है, मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस कमर दर्द की कारण के साथ ही, मतलब कमर दर्द कारण के हिसाब से अलग होता है, यानी कि कारण अलग है तो उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइज भी मैंने अलग बताई हुई है। और इतने सारे वीडियो डाले हैं शियाटिका के लिए ही, कि अगर स्लिप डिस्क की वजह से है तो तभी एक्सरसाइज आप करेंगे, या फिर गर्म पानी सिकाई करनी है, या ठंडे सेक करनी है, कब कब करनी है। अगर DDD है, एज ज़्यादा होने की वजह से DDD हो जाता है, डिस्क डिजनरेशन, तो तब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी जिसमें फेसर जॉइंट टकराने लगते हैं, उसमें बैक एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। शायद इसी पे ही मेरे आधा घंटा निकल जाए, तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए, और जो भी निकले तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, उसके अनुसार आप एक्सरसाइज करिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगला है पूजा धनकर ने भेजा है और चूने वाली वीडियो भेजा है। क्या जेबी मेंशंस, जब मेंशंस आए तो तब नहीं ले सकते चूना मैंसेज? इन्होंने जो मासिक धर्म होते हैं उसके लिए मैंसेज लिखा है। तो देखिए, अगर आप दही में ले रहे हैं तो दही उस दौरान 2-3 दिन नहीं खानी होती, कोई भी ठंडी चीज़ हो ना, दही हो, लस्सी हो, और दूध भी नहीं पीना होता। और जैसे आलू है, भारी तली भुनी चीज़ें, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होती है 3-4 दिनों के लिए, जब आपके मासिक धर्म आ रहे हों। तो देखिए, अगर आप दही में लेते हैं तो मत लो, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। और अगर आप गन्ने के जूस में ले रहे हैं, या फिर अनार के जूस में ले रहे हैं, या फिर दाल में भी ले सकते हैं, अगर दाल में ले रहे हैं तो ले लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की दवाई खा रहे हैं, कैल्शियम की दवाई खाते हैं, तो तभी दवाई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप दही नहीं खाना होता, इसलिए दही में मत लेना। अगला जो कमेंट आया है वो भेजा है ख्वाहिश शर्मा ने, मैम विल इट बी गुड टू टेक फिजियोथेरेपी फॉर सर्वाइकल नेक पेन? जो मैंने वेरिकोज वेंस की वीडियो डाली थी उस पर उसके ऊपर कमेंट आया है कि मैं ये फिजियोथेरेपी जो होती है नेक के लिए, क्या वो अच्छी होती है सर्वाइकल पेन में? हाँ जी, वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप ज़रूर फिजियोथेरेपी कराइए, और अगर आपको आराम लग रहा है तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है फिजियोथेरेपी से या नहीं पड़ रहा है, तो आप करा के देख सकती हैं। और अगला कमेंट जो किया है राजू कुमार ने, मुझे केवल कमर दर्द है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। आप ज़्यादा काम करते हैं, जैसे खड़े होके, बहुत से लोगों खड़े होके ही काम होता है, पूरा दिन खड़े रहते हैं, कुछ ऐसा उनकी वर्क जॉब होती है, जॉब वर्क होता है सॉरी।
तो कुछ ऐसा उनका काम होता है तो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो थक तो जाते ही हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी कमर में पेन आ सकता है। या फिर आप गलत तरीके से बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, तो लैपटॉप वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, तब भी आपको कमर दर्द हो सकता है। या फिर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो DDD यानी कि जिसमें डिस्क पतली हो जाती है, डिस्क डीजनरेशन, उसमें डिस्क पतली हो जाती है, फेसर जॉइंट आपस में टकराने लगते हैं, उसकी वजह से भी कमर में दर्द आ सकता है। आप देखिए, कमर में दर्द के तो कारण बहुत सारे हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से कमर दर्द चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बार आप चेक करा लीजिए। और वैसे आप मसाज कर सकते हैं तेल से, थोड़ा मतलब सीधे तरीके से खड़ा होना या बैठने का तरीका आपका सही होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मतलब दिमाग में अभी आ गई है वो चीज़, नहीं तो निकल जाती तो निकल ही जाती। खाने पीने में हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ करते हैं कई बार, जैसे कि खट्टी दही खाना, खट्टी जो लस्सी होती है बेटाइम पीना, रात को भी कुछ लोग दही चावल ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे उड़द की दाल होगी जिनमें बायो होती है, तो उस वजह से भी कमर का दर्द होता है। तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ताज़ी रखिए, फ्रेश रखिए, और क्या कहते हैं उसको, जो बाय वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आपको दर्द है, वो चाहे वो बॉडी में किसी भी जगह पे दर्द हो, तो अगर बाय की वजह से होता है तो बाय वाली चीज़ें बंद करिए। अच्छा, जो फ्रिज की ठंडी चीज़ें हो उनको भी कम करिए, और फ्रूट्स, ताज़ी सब्जियाँ ये सब खाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, तो जो दर्द आपका हो रहा है वीकनेस की वजह से, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगला कमेंट किया है सिराज अहमद ट्रैक्टर ने, मैम मुझे लोअर बैक पेन से ज़्यादा देर खड़े रहने से चलने से बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए, ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहना या बैठे रहने से दर्द होता है, तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये मैंने वीडियो भी डाली हुई है, ये ज़्यादातर फेशर जॉइंट जब टकराने लगते हैं ना, DDD की वजह से डिस्क पतली हो जाती है, ये ज़्यादातर बढ़ती उम्र के लोगों में होता है। तो मुझे आपकी उम्र तो नहीं पता, तो ये सिम्टम्स के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज बताई हुई है। बाकी आप एक बार MRI वगैरह ज़रूर करा लें, ताकि कन्फर्म हो जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर जब भी प्रॉब्लम निकले तो उसको देख के आप मेरे चैनल पे जरूर जाइए, उससे रिलेटेड वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगला कमेंट आया है मोहम्मद कासिम ने, मेरे राइट हैंड की कलाई में बहुत दर्द है, कोई भी काम करने पर दर्द होता है, एक्सरे कराया मगर डॉक्टर बोले सही है, लगता है नस की कोई प्रॉब्लम है, सोने पर पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है, प्लीज सिस्टर कुछ उपाय बताएं। ओके, देखिए इन्होंने अपनी कलाई में दर्द बताया, लेकिन बता रहे हैं कि जब मैं सोता हूँ तो पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है। अब जिस्म का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कलाई अगर आपकी सुन्न होती है, तो अभी अभी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो डाली है, कलाई सुन्न होती है, कलाई में पेन आता है, आपसे काम नहीं होता हाथ से, तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है आपको। अगर आपके सिम्टम्स ऐसे ही हैं और ज़्यादा इन्होंने कलाई लिखा है, अब कलाई की प्रॉब्लम यहाँ भी दर्द हो सकता है, यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम, यहाँ से जो कार्पल टनल सिंड्रोम की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसकी प्रॉब्लम में यहाँ पे ज़्यादा पेन आता है इस जगह पे, और ये जो दो उंगलियाँ होती है ये सुन्न हो जाती है, ये वाली, ठीक है। और अगर आपकी कलाई में दिक्कत है, अब इस जगह हो सकता है आपको चोट लगी हो, फ्रैक्चर आ गया हो, इसकी वजह से पेन हो रहा हो, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस वजह से पेन आ रहा है, तो इसलिए एक बार आप टेस्ट करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा। बाकी मैंने हाथ के लिए भी वीडियो डाल दी है कि अगर आपकी जो कलाई है वो स्टिफ हो गई है, उसकी वजह से पेन आता है, तो उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी, एक दो दिन में मिल जाएगी। और कार्पल टनल सिंड्रोम की, जो कलाई में ही पेन आता है, उसके लिए बनाई है, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। जब आप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अगर आपको आराम मिल रहा है तो शायद आपकी प्रॉब्लम वही हो, और बाकी आप टेस्ट करा के देख लीजिए, प्रॉब्लम उसमें आ जाएगी।
तो अगला कमेंट आया त्रिशा कालीरमन, जिन बच्चों की हाइट बढ़ानी हो तो उनको चूना कैसे खिलाएं, खाली पेट, पानी से, दही से या कैसे? हाँ जी, आप दही से दे सकते हैं, खाली पेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताजी दही हो 100 ग्राम और उसमें इतना सा चूना मिलाना है गेहूं के दाने जितना, अगर 14-15 साल का बच्चा हो, और अगर बहुत ही छोटा है तो उसके लिए तो बहुत ही कम होता, आधा कर दीजिए, लेकिन इतने बच्चों के लिए तो एक गेहूं के दाना जितना ही काफ़ी है। 15-16 साल के, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, दही में दे दीजिए, खाली पेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है प्रशांत वाडकर ने भेजा है, मैडम मुझे हाइपर एसिडिटी थी, उसके वजह से छाती में खाते वक्त बहुत जख्म जैसा जलता है, फिलहाल एसिडिटी कंट्रोल में आ गई है लेकिन अंदर के जख्म अभी तक नहीं भरे हुए हैं, मुझे बहुत तकलीफ है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली है पेट में गैस होना, तो उसमें मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर आपको अल्सर हो गए हैं कहीं पर भी है तो आपको उसमें क्या करना है, मिश्री की डली लेके मुंह में चूसनी है, जितनी आपकी लार जाएगी आपका अल्सर ख़त्म होता जाएगा। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समाधान मिल जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मीठी दही, ताज़ी दही में शक्कर डाल के अच्छी तरह से मिला के, गुड़ वाली शक्कर डाल के, वो ज़रूर एक टाइम तो दिन में ज़रूर लेनी है, 2 बार भी ले सकते हैं, आपके अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और निकिता महेंद्रू ने अगला कमेंट किया है, मैम ब्लैक कैट सेम हल्के, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए वैसे तो आप कोई भी जो फेस पैक आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये नहीं बता सकती कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, तो इसके लिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डाल दूँगी, उसमें क्लियरली आपको सारी अच्छी तरीके से बता दूँगी सारी चीज़ें, तो इसलिए, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कब डालूँगी, जब भी टाइम मिलेगा तभी डाल दूँगी। काजल झा ने अगला कमेंट किया है, मैं मेरे पापा कमर दर्द और पैर दोनों में दर्द हो गया है, काम भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ उसके लिए कोई स्टेप बताएं। देखिए जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कमर दर्द किस कारण से हो रहा है, अगर बढ़ती उम्र है तो DDD की वजह से भी हो सकता है, तो तब तक मैं कोई स्टेप नहीं बता सकती, लेकिन वीडियो मैंने सभी तरह की डाली हुई है, जब भी आपकी रिपोर्ट आए उसमें जो भी प्रॉब्लम लिखी हो तो चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सारे जो भी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ वो सबको पता ही है कितनी आसान होती है कि उनको कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, तो इसलिए ज़रूर पहले एक बार चेक करा ले तब आपको पता चल जाए, तो फिर आप चैनल पे जरूर जाइए और वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन देख के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। बाशिर हीरापुर ने भेजा है, पान वाला चूना खा सकते हैं क्या? हाँ जी खा सकते हैं। निसार अली ने अगला कमेंट किया है, मैम मेरा काम मार्केटिंग का काम है, मैं बाइक पे ज़्यादा चलता हूँ, प्लीज़ इसका कोई इस बारे में मुझे कुछ बताना। देखिए आपका काम है, मैं क्या बता सकती हूँ उस बारे में, काम तो आपका है क्योंकि आपको ही करना है। हाँ ये बता सकती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आप हल्की फुल्की जितना भी आपके पास टाइम है कर सकती हैं, खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, फ्रेश चीज़ें खाइए, और जब भी आप शाम को आते हैं तो तब भी थोड़ा बहुत योगा अगर आपका टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जितना आपको मतलब कि टाइम के हिसाब से, तो जब आप अच्छी चीज़ें खाएंगे और योगा भी करेंगे तो अपने आप ही आपका जो शरीर है वो स्ट्रोंग हो जाएगा, तो जो जिस वजह से आपको ज़्यादा बाइक पे बैठना पड़ता है, तो जब आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होगी, तो काम चाहे कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ममता शर्मा, ये तो बताया ही नहीं कि खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद, चूने वाली वीडियो पे भेजा है। जी मैंने दोनों वीडियो में शायद बताया था कि खाली पेट भी ले सकते हैं
और दोपहर से पहले पहले लेना है, यानी कि दोपहर का जो खाना खाते हैं उससे पहले पहले ले सकते हैं। आपने सुबह का खाना खा लिया यानी कि आप लेना भूल गए, तो जब सुबह दोपहर का आप खाना खाएंगे तो उसे एक घंटा पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, शाम को मत लेना। नारायण प्रसाद, स्लिप डिस्क के साथ किडनी स्टोन भी है तो उसमें चूना ले सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। जिनको स्टोन है वो चूना बिल्कुल मत लेना। अगला कमेंट है दीपांजलि वर्मा का, सुमन जी मुझे सर्वाइकल है, शाटिका भी है, मैं दोनों एक्सरसाइज कर सकती हूँ? जी हाँ, आप अगर आपको पेन ज़्यादा नहीं हो रहा तो दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सोनू चौधरी ने, मैम मेरे टेलबोन में फ्रैक्चर हो गया है, 3 मंथ्स हो गए हैं, प्लीज उपाय बताए। देखिए, टेलबोन पे तो कोई प्लास्टर नहीं कर सकते अगर फ्रैक्चर हो गया है तो, इसलिए आपको आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्ड सरफेस पे बैठने वाले काम ना करें। मैंने इसके लिए वीडियो डाली हुई है, उसमें आपको सावधानियाँ भी बताई हुई हैं, कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है वो भी बताया हुआ है। और देखिए, ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत हो, तो जब ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं तो हड्डी अपने आप ही जुड़ जाएगी जहाँ से फ्रैक्चर हो रही है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो मैंने एक्सरसाइज बताई है अगर वो आप कर सकते हैं, आपको पेन नहीं आता है तो एक्सरसाइज करिए। और अगर आप को किडनी में स्टोन नहीं, कहीं पे भी स्टोन नहीं है, तो आप चूना ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि चूना लेने से आपकी जो फ्रैक्चर होता है कहीं पे भी हड्डी में, तो वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। तो ये सब करिए, ठीक हो जाएंगे आप। बाकी सभी के मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे वाले सभी के रिप्लाई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट्स डालते रहिए, इसी तरह जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके रिप्लाई देती रहूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।